कर खुदी को बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धनसार थाना धनबाद के इंस्पेक्टर जयराम प्रकाश पुलिस विभाग का एक ऐसा चेहरा जिसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जिन्हें पगडंडी पर चलने की आदत नहीं होती, जो किसी के पैरों के निशान नहीं तलाशते, उनके कदमों के निशान दुनिया तलाशती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने अपने कविता द डेस्टिनेशन लिखी। आपकी हार या जीत आपकी शारीरिक क्षमता या अक्षमता का परिणाम नहीं है, परिणाम है आपकी सोच का। यदि आपको भरोसा खुद पर है तो आपको कोई हरा नहीं सकता, और यदि खुद पर भरोसा नहीं है तो आप किसी से जीत नहीं सकते। रास्ते में आने वाली कठिनाइयां यह दर्शाती है कि परिणाम कितना सुखद होगा। रास्ता जितना कठिन होगा, परिणाम उतना ही सुखद होगा। मैं लंगड़े घोड़े की सवारी नहीं करता, लंगड़े घोड़े से अधिक भरोसा मुझे खुद पर है कि मैं चलकर या दौड़कर अपनी मंजिल पर उस लंगड़े घोड़े से पहले पहुंच जाऊंगा। मोती सागर में मिलता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि सागर के तट पर मिलता है। मोती को पाने के लिए सागर की गहराई में उतरना पड़ता है, और सागर की गहराई में उतरने के लिए साहस, धैर्य और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। तीन में से एक भी यदि आपके पास नहीं है तो आप मोती से वंचित रह जाएंगे। जिन्हें पगडंडी पर चलने की आदत नहीं होती, जो किसी के पैरों के निशान नहीं तलाशते, उनके कदमों के निशान दुनिया तलाशती है। इसी बात को ध्यान में रखकर मैंने अपने कविता द डेस्टिनेशन लिखी, जो 31 मार्च सन 2015 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यूज़पेपर न्यूज़ मोमेंट में प्रकाशित हुई थी। कविता की पंक्तियां इस प्रकार है। वन हैज ए हैबिट ऑफ वॉकिंग ऑन द ट्रेल। जिन्हें पगडंडी पर चलने की आदत होती है, द एंड ऑफ द एली इज अ वंस डेस्टिनेशन। गली का किनारा ही उनकी मंजिल होती है, अर्थात
पगडंडी का छोर, पगडंडी का किनारा ही उनकी मंजिल होती है। द सेम पीपुल, द सेम वे ट्रेन, वही लोग, वही रास्ते, वही गली। द न्यू डेस्टिनेशन, वन मूव फ्रॉम वेयर, उनकी अगली मंजिल वही होती है जहां से वे चले होते हैं। तात्पर्य ये कि वे घूम फिर कर फिर वही आ जाते हैं। इफ इट इज द लाइफ टाइम, देन व्हाट इज इट, यदि जीवन इसी प्रकार चलता रहता है तो इसका क्या अर्थ है। वन हु इज नॉट यूज टू वॉकिंग ऑन द ट्रेन, जिन्हें पगडंडी पर चलने की आदत नहीं होती, वन इज नॉट सर्चिंग साइन ऑफ स्टेप्स ऑफ वंस, जो किसी के कदमों के निशान नहीं तलाशते, वंस साइंस ऑफ स्टेप्स स्क्रूटिनाइज द वर्ल्ड, उनके कदमों के निशान दुनिया तलाशती है। ईच एंड एवरी डे एन इनोवेटिव वे, नित्य प्रति नए रास्ते, ईच एंड एवरी डे एन इनोवेशन पीपुल, नित्य प्रति नए लोग, ईच एंड एवरी डे एन इनोवेशन डेस्टिनेशन, नित्य प्रति एक नई मंजिल, ईच एंड एवरी डे एजिलिटी एंड फ्रेशनेस, नित्य प्रति चुस्ती फुर्ती ताजगी, एवरी डे ए न्यू वियो ए न्यू एक्सल्टेशन, प्रतिदिन एक नया जुनून, एक नई उमंग, वेव्स क्लाइडिंग द रॉक्स, चट्टानों से टकराती हुई लहरें, पैशन टू इनोवेट, जुनून कुछ नया करने का, टू गो अहेड, ओनली टू गो अहेड, आगे बढ़ो, सिर्फ आगे बढ़ो, ईच एंड एवरी मोमेंट, ईच स्प्लिट सेकेंड, प्रति पल, प्रति क्षण। विराट कोहली कभी धोनी नहीं बन सकता, धोनी कभी तेंदुलकर नहीं बन सकता, तेंदुलकर कभी गवास्कर नहीं बन सकता। पहचान अपनी बनाइए, अपनी पहचान बनाने के लिए रास्ता भी खुद ही बनाना होगा। किसी के बनाए हुए रास्ते पर चलकर आप भीड़ का हिस्सा तो बन सकते हैं पर अपनी पहचान नहीं बना सकते, क्योंकि भीड़ हमें सहारा जरूर देती है पर हमसे हमारा पहचान छीन लेती है। निष्कर्ष ये
कि अगर अपनी पहचान बनानी है तो अपना रास्ता खुद बनाइए। रास्ता जितना कठिन होगा, परिणाम भी उसका उतना ही सुखद होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।